इंटरव्यूज़ में साड़ी पहनना जितना ज़्यादा प्रोफेशनल एलिगेंट और ग्रेसफुल लग सकता है उतना ही ज़्यादा रिस्की और ट्रिकी हो सकता है अगर आप कुछ टिप्स फॉलो ना करें हेलो एंड वेलकम टू प्रिटीफाई बाय सुरभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे असेंशियल टिप्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे अगर आप इंटरव्यूज़ में साड़ीज़ पहनना चाहते हैं इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि किस तरह की आपको साड़ीज़ पहननी चाहिए किस तरह के फैब्रिक्स किस तरह के ब्लाउज उसके डिजाइन स्लीव्स नेकलाइंस कलर्स उस सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगी दिस इज़ अ मच रिक्वेस्टेड वीडियो मेरी इंटरव्यू एंड ग्रूमिंग टिप्स सीरीज़ की ये सिक्स वीडियो है एंड आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू आउट दे लुकिंग आउट फॉर सम टिप्स फॉर साड़ीज़ फॉर इंटरव्यू सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक दो बातें आपको बोलना चाहूंगी कि डो नॉट वेयर साड़ी फॉर द इंटरव्यू जस्ट बिकॉज यू फील लाइक वेयरिंग इट इफ़ यू हैव नॉट वॉन साड़ी बिफोर अगर आपने साड़ी पहले लाइफ में कभी नहीं पहनी है तो डू नॉट एक्सपेरिमेंट उस दिन के लिए स्पेसिफिकली आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए बिकॉज एज इट इज़ देर इज लॉट ऑफ नर्वसनेस वेन यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू यू आर ट्रैवलिंग यू नो यू डोंट नो द प्लेस यू मे हैव टू वॉक अप द स्टेज आपको उस जगह का कुछ नहीं डिटेल्स पता वेन्यू नहीं, नहीं पता सो इट कैन बी स्लाइटली ट्रिकी अगर आपने साड़ी पहले नहीं पहनी हुई है सो डोंट वेयर साड़ी जस्ट फॉर द हैक ऑफ वेयरिंग साड़ी और जस्ट बिकॉज़ यू फील लाइक वेयरिंग द साड़ी सेकेंडली अगर आपको साड़ी पहननी ही है और आपके पास दो तीन दिन का टाइम है तो मेक श्योर दैट यू रिहर्स इन एडवांस मतलब आप दो तीन बार साड़ी को घर पे ही ड्रेप कर लें एंड उसी फुटवेयर के साथ उसको पहने विच यू इंटेंड टू वेयर फॉर द इंटरव्यू जो इंटरव्यू वाले दिन आप फुटवेयर पहनने वाले हैं उसी के साथ आप साड़ी पहन के घर में थोड़ा वॉक कर लें इट विल हेल्प यू गेट द फीलर ऑफ द साड़ी इट विल जस्ट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड कम्फर्ट लेवल एंड यू विल बी वेयरिंग साड़ी फॉर योर मेन इंटरव्यू डे देन यू विल बी स्लाइटली मोर कंफर्टेबल बिकॉज यू हैव वॉन साड़ी बिफोर सो टू थिंग्स 1. Do not wear sari if you are not comfortable or if you have not worn it before. 2. If it is extremely important for you to wear a sari, either it's a dress code or you feel like, then make sure you rehearse, you drape it in advance. Mm. Thirdly, if it is extremely important for you to wear a sari either because it's a dress code or you feel like wearing it, but you don't have time for rehearsal or practice, then you need to pick up a cotton sari. कॉटन साड़ी आप सिलेक्ट कीजिए और उसको सिक्योर कीजिए दो तीन एक्स्ट्रा पिन से मेक श्योर यू टक इट प्रॉपरली विथ सेफ्टी पिन जिससे कि आपको एक्सट्रीमली कंफर्टेबल रहे और आपको ऐसा ना लगे कि साड़ी निकल जाएगी जो कि यूजली व्हेन यू वेयर साड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम जो फीलिंग होती है वो नहीं रहेगी दीज आर सम यूजफुल टिप्स इफ़ यू आर अ बिगिनर So, now let us quickly look at the fabrics that you can wear for interview. You can easily go for cotton, linen, jute, jute silk, crepe, Maheshwari silk, tassa silk, handloom saris, modal silk saris, khadi silk saris, chicken curry or laknavi saris. The kind of fabrics you should not select are chiffons, georgette, net. और गैन्ज़ा ये सारी इसलिए बेसिकली नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की हैं कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहती हैं विच डजन गिव अ प्रोफेशनल लुक ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसके अलावा कांजीवरम सिल्क बनारसी सिल्क सैटन साड़ीज़ शिमरी साड़ीज़ ये आपको नहीं सिलेक्ट करनी है बिकॉज दे हैव अ लॉर ऑफ शाइन एंड गोल्ड इन दैम गोल्ड कलर का इनका अंडरटोन होता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फैंसी एंड पार्टी लुक दे देता है इट डजन गिव अ प्रोफेशनल कॉपरेट लुक सो यू शुड अवॉइड सच फैब्रिक्स ऑफकोर्स यू कैन वेयर दीज साड़ीज़ फॉर ऑफिस पार्टीज़ फॉर ओकेजन्स वंस यू हैव बिन सिलेक्टेड आप बात करते हैं किस तरह की साड़ी स्टाइल्स एम्बेलिशमेंट्स एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट्स आपको पहनने चाहिए और किस तरह के प्रिंट्स एंड एम्बेलिशमेंट्स एंड एम्ब्रॉयड्रीज आपको अवॉइड करनी चाहिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि गोफोर प्लेन्स सॉलिड साड़ीज़ यू नो सिंगल काला बिकॉज उससे ज़्यादा प्रोफेशनल कुछ नहीं है इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑन इंटरव्यू एंड ग्रूमिंग टिप सीरीज दैन आपको पता होगा कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि सॉलिड या प्लेन कलर्स पहने बिकॉज उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आता है बेस्ट है कि सॉलिड कलर आप पहने अगर आप सॉलिड कलर फॉर सम रीज़न नहीं पहन सकते हैं देन यू कैन गो फॉर स्मॉल प्रिंट्स बिकॉज वो प्रोफेशनल लुक देता है बड़े प्रिंट्स थोड़ा सा ज़्यादा कैजुअल अप्रोच या यू नो पार्टीवेयर लुक दे देता है सो गो फॉर स्मॉल प्रिंट्स दैट लुक्स मोर प्रोफेशनल यू कैन गो फॉर कलमकारी प्रिंट्स अजरक प्रिंट सांगानेरी प्रिंट किसी भी तरह का हैंड ब्लॉक जैसे दाबू बागरू इस तरह के कोई भी आप प्रिंट्स यूज कर सकते हैं जोमेट्रिक एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स लेकिन जो छोटे साइज़ में हो, यू नो यू डोंट हैव टू गो फॉर बिग वंस देन यू कैन गो फॉर चिकनकारी और लखनवी एम्ब्रॉयडरी hmm. किस तरह के स्टाइल्स आपको अवॉइड करने हैं आपको रफल्स साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहननी है नो no सीक्वेंस साड़ी कोई सीक्वेंस विक्वेंस का वर्क हुआ हुआ है तारे वितारे लगे हुए हैं उस तरह का कुछ भी आप साड़ी नहीं पहनेंगे किसी भी तरह की गोल्ड या सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वाला काम जिसपे बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है उस तरह की साड़ी बिल्कुल नहीं पहननी है इंटरव्यूज़ में गोटा पत्ती का काम हुआ है उस तरह की साड़ीज़ नहीं पहननी टेसल्स वेसल्स लगे हुए हैं साड़ी में उस तरह की साड़ीज़ आर बिग नो बांधनी mm -hmm. साड़ीज़ बहुत ट्रेडिशनल लुक देती हैं बांधनी इज़ अ वेरी गुड प्रिंट बट देन इट गिव्स अ वेरी ट्रेडिशनल एंड एथनिक लुक प्रोफेशनल लुक नहीं दे पाता इसलिए यू शुड अवॉइड फिफ्टी फिफ्टी आई स्टिल से कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी देन में भी यू कैन स्टिल थिंक ऑफ बांधनी बट स्टिल नॉट द फर्स्ट ऑप्शन बड़े प्रिंट्स बिग बिग बोल्ड बोल्ड प्रिंट्स वो नहीं बिल्कुल आपको पहनने हैं कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग या फंकी प्रिंट्स जैसे होते हैं ना स्पंकी से कुछ कार्टून कुछ कैब सनग्लासेज ऐसे कुछ बना कोई भी फंकी प्रिंट्स बिल्कुल भी आपको इंटरव्यूज़ में नहीं पहनने हैं मुकेश की साड़ी अगेन फॉर द सेम रीज़न मुकेश का काम जो होता है वे भी शाइन आता है तो वो उस तरह का काम की साड़ीज़ भी नहीं पहननी है इवन इफ इट इज़ इन कॉटन शूड ऑल्सो अवॉइड फुलकारी साड़ीज़ फुलकारी के कलर्स फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के कलर्स भी बहुत बोल्ड और ब्राइट होते हैं एंड इंटरव्यूज़ में हम प्रेफ़र करते हैं कुछ भी सटल सॉफ्ट पेस्टल कलर्स को पहनना इसलिए आई सजेस्ट नॉट टू वेयर समथिंग विच इज़ टू ब्राइट टू लाउड टू शॉकिंग एंड टू डिस्ट्रैक्टिंग बात करें किस तरह के कलर्स आप साड़ीज़ के सिलेक्ट कर सकते हैं तो गुड न्यूज़ ये है कि देर इज़ नो स्पेसिफिक बाउंडेशन फॉर द काइंड ऑफ कलर यू शूड पिकअप फॉर साड़ी हाउ एवर लाइट कलर्स पेस्टल कलर्स और न्यूट्रल कलर्स आर बेस्ट फॉर इंटरव्यूज बिकॉज इट गिवस अ मोर प्रोफेशनल एंड अ मोर कॉपरेट लुक इफ यू आर गोइंग फॉर प्रिंस दैन ऑल्सो यू शूड बी वेरी केयरफुल विद द काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशन द प्रिंट हैज़ क्योंकि uh, कई बार होता है हम बहुत शॉकिंग कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल अगेन येलो एंड मेजेंटा का आपने अगर कॉम्बिनेशन ले लिया या ब्राइट पिंक और ब्राइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन ले लिया तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल एथनिक लुक दे देगा प्लस वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग लाउड लगेगा इंटरव्यू में तो आपको ऑप्ट करना है सम सटल कलर्स पेस्टल कलर्स लाइट कलर्स के लिए यू डोंट हैव टू गो फॉर समथिंग विच इज़ टू लाउड टू शॉकिंग टू ब्राइट टू डिस्ट्रैक्टिंग राइट सो गो फॉर सम सूदिंग कॉम्बिनेशन सम लाइटर कॉम्बिनेशन सम पेस्टल कॉम्बिनेशंस इफ़ यू हैव टू गो फॉर प्रिंट्स नाउ कमिंग टू ब्लाउज़ आइडली शुड बी ऑफ द सेम कलर ऑफ साड़ी बिकॉज उससे वो मोनोक्रोमैटिक लुक आ जाती है एक सिंगल कलर से जो एक प्रोफेशनल लुक आती है वो कॉन्ट्रास्ट में नहीं आती है हाउ एवर दिस इज़ नॉट दी थम रूल और इस तरह की साड़ी नहीं है जिसमें मैचिंग कलर का ब्लाउज है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ कॉन्ट्रास्ट बट यू शुड एम फॉर साड़ीज़ विच आर लाइटर इन कॉम्बिनेशन सो कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए थोड़े सटल कॉम्बिनेशन में होना चाहिए ब्लैक इज़ अ यूनिवर्सल कलर तो ब्लैक या बेज कलर की जो ब्लाउज होते हैं वो हर साड़ी के साथ जाते हैं तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके पास मैचिंग ब्लाउज नहीं है ब्लाउज़ के जो नेक हैं वो थोड़ा बेसिक ही चलते हैं इंटरव्यूज़ में फॉर एग्जाम्पल राउंड नेक यू नेक स्क्वायर नेक और इवन टचिंग नेक इंटरव्यूज़ में चल जाता है अगर आपको थोड़ा सा फैंसी में जाना है देन यू कैन गो फॉर कॉलर शर्ट कॉलर वाले जो ब्लाउजेज होते हैं वो भी इंटरव्यूज में आप पहन सकते हैं बैंड कॉलर पहन सकते हैं हाफ बैंड कॉलर पहन सकते हैं अ बिग नो टू डीप नेक्स फॉर इंटरव्यू कोई भी फैंसी नेक लाइन्स आपको इंटरव्यू में ब्लाउज में नहीं होनी चाहिए कोई भी डीप नेक्स बहुत ज़्यादा बैक डीप हो या फ्रंट डीप हो बहुत ज्यादा डिजाइन बने हुए हो क्रिस क्रॉस बना हुआ है या जो पीछे बांध देते हैं उसमें डोरी बांध देते हैं सपोर्ट के लिए वो सब उस तरह का नहीं बहुत बेसिक नेक होना चाहिए सिंपल टचिंग नेक पीछे से भी बहुत डीप कुछ नहीं अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज़ पहन रहे हैं तो नेक बिल्कुल भी डीप नहीं होना चाहिए बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग लगता है कि आपने नेक भी फ्रंट नेक बैक नेक डीप पहन रखा है और स्लीवलेस स्लीव्स की बात करें ब्लाउज में किस तरह की स्लीव्स अगेन बेसिक स्लीव्स अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट हाफ स्लीव्स एल्बो स्लीव्स थ्री क्वार्टर फुल हर तरह की स्लीव्स इसमें चल जाती है हाउएवर एनी थिंग विथ टू मच ऑफ डिटेलिंग विल नॉट वर्क विच मीन्स कोई रफल्स लगे हुए हैं स्लीवस पे बेल स्लीवस है इस तरह की स्लीव्स जो थोड़ी फैंसी स्लीवस है वो नहीं इंटरव्यूज में पहननी है बेसिकली क्या क्रक्स है कि सिंपल ब्लाउज़ जो कि कॉन्ट्रास्ट ना हो तो बेटर है बेसिक स्लीवस हों स्लीव लेंथ आपकी कम्फर्ट के हिसाब से है और जो नेक लाइन है वो डीप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि फटाफट आ जाते हैं ज्वेलरी और एक्सेसरी पे किस तरह की ज्वेलरी फुटवेयर और मेकअप आपको करना चाहिए साड़ीज़ के साथ ज्वेलरी में आपको मिनिमम ज्वेलरी रखनी है साड़ीज़ के साथ फॉर इंटरव्यू सो अ वेरी स्लीक चेन बेसिक स्टड्स सिंपल स्टड वाले ईयर वन रिंग एट मैक्स टू रिंग्स वन ईच हैंड एक पतला सा ब्रेसलेट या बैंगल और एक हाथ में घड़ी दैट्स इट यू डोंट हैव टू वेयर एनी मोर ज्वेलरी बियॉन्ड दिस फॉर एन इंटरव्यू मेकअप में एज इट इज़ इंटरव्यूज़ में तो लाइट ही मेकअप करते हैं अगर आपने मेरी इंटरव्यू एंड ग्रूमिंग टिप्स सीरीज की मेकअप टिप्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी मैं यहाँ पर इसका लिंक भी डाल दूँगी तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं तो आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरह का मेकअप आपको करना चाहिए हाउ एवर जस्ट फॉर अ क्विक ओवरव्यू आई एल टेल यू दैट आपको थोड़ा न्यूड मेकअप करना चाहिए मोर लाइक अ नेचुरल और नो मेकअप मेकअप लुक काइंड ऑफ अ थिंग तो क्या है बेसिक फाउंडेशन या बीबी क्रीम जो आपको सूट करती है अ वेरी थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन और अ बीबी क्रीम हल्का सा ब्लश वेरी नेचुरल लुकिंग ब्लश विद नो ग्लिटर्स इन इट देन यू नो काजल और लाइनर वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन एंड अ वेरी न्यूड शेड ऑफ लिपस्टिक यू कैन वेयर अ स्मॉल बिंदी एंड दैट्स सेट यू डोंट हैव टू गो एनीथिंग बियॉन्ड दिस वो वाला फुटवेयर पहनेंगे आप जो आपको कम्फर्टेबल हो एज इट इज आप साड़ी पहन रहे हैं जो कि आपका शायद कम्फर्ट जोन ना हो, हो सकता है आपने साड़ीज पहले पहनी हो बट स्टिल आइए से कि कई बार हम इंटरव्यूज में जाते हैं एंड इफ यू आर नॉट अ प्रो ऐट साड़ी देन हमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है कई बार होता है ना जैसे हमने साड़ी पहनी हुई है लेकिन ओकेजन पे पहनी हुई है मम्मी साथ में है सिस्टर साथ में है दे सम गोइंग टू टेक केयर ऑफ आस कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है इंटरव्यूज में ऐसा कुछ नहीं होता है इंटरव्यूज में आपको साड़ी भी खुद संभालनी है अपने डॉक्यूमेंट्स भी खुद संभालने हैं बात भी खुद करनी है सारा कुछ खुद ही मैनेज करना है इसीलिए फुटवेयर कंफर्टेबल पहनी है फुटवेयर में क्लोज टू फुटवेयर इज़ समथिंग विच इज़ बेस्ट बिकॉज इट गिव्स वेरी प्रोफेशनल लुक हाउ एवर इट इज़ नॉट कंपल्सरी क्योंकि इसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए कंफर्ट क्योंकि वो साड़ी के नीचे दिखता नहीं है उसके अलावा इट शुड बी अ नो नॉइज़ फुटवेयर जो टक 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 की आवाज़ आती है उस तरह का फुटवेयर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए देन इन टर्म्स ऑफ कलर ऑफ द फुटवेयर आप बेसिक कोई भी न्यूट्रल कलर लाइक ब्लैक टैन ब्राउन न्यूड यू नो नेचुरल लुकिंग कलर आइवरी कलर बेज कलर इस तरह के कोई भी फुटवेयर कलर आप पहन सकते हैं ये बात हो गई फुटवेयर और एक्सेसरीज़ की नाउ कमिंग बैक टू सम टिप्स ऑन साड़ी साड़ी की प्लीट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट कैन मेक और ब्रेक द कम्प्लीट लुक उसके लिए एक टिप देती हूँ कि आपको अपनी लेंथ uh, साड़ी की फॉल की इतनी रखनी चाहिए कि आपके एंकल बॉल के पास ऑलमोस्ट वो आए बहुत ऊँची साड़ी कई लोग पहन लेते हैं वो भी बहुत ख़राब लगती है डजन गिव अप प्रोफेशनल लुक और बहुत लंबी साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए बिकॉज वन आप अनकंफर्टेबल होंगे टू वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हमें पता नहीं है कि वहाँ पे पहुँचने तक के लिए हमारे पास क्या चैलेंजेस होंगे स्टेयर्स हैं एलिवेटर है एस्केलेटर है, है किस तरह से पहुँचना है कितना वॉक करना है हमें कुछ नहीं पता होता तो बेस्ट है कि हम कंफर्ट को प्रायोरिटी रखें सो दैट एटलीस्ट वी आर सॉर्टेड इन आर हेड कि हमारा अटायर कंफर्टेबल है बाकी इंटरव्यू में जो करना है वो बाद की बात है उसके अलावा प्लीट्स हैं जो हम बीच में प्लीट्स बनाते हैं यू हैव टू मेक श्योर यू मेक इनफ प्लीट्स जब हम ज़्यादा प्लीटिंग बीच में रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमार को कम्फर्ट देती है वॉक के टाइम अगर आप प्लीट्स कम रखेंगे जो बीच में फॉल्स बनाते हैं वो अगर आप कम रखेंगे तो आपको चलने में मुश्किल होगी सो यू शुड एम टू हैव एटलीस्ट सिक्स फाइव सिक्स सेवन के करीब आपको डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप कितनी प्लीट्स आती हैं उतनी प्लीट्स आपको रखनी चाहिए अब बात कर लेते हैं साड़ी के पल्लू की प्रोफेशनली आई विल सजेस्ट कि उसको प्लीट्स में रखें प्लीटेड पल्लू इज़ मोर कंफर्टेबल टू कैरी इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल दो चीज़ें उसमें बात याद रखनी है कि एक तो वो प्लीट्स बहुत अच्छे से नीटली बनी होनी चाहिए उस पर अच्छे से प्रेस करी होनी चाहिए दूसरा उसको आपको अच्छे से सेफ्टी पिन से आपको उसको सिक्योर करना है अच्छे से अच्छे पिन से उसको टक करना है सो so दैट so, में से प्लीट्स निकलती ना रहे फ्योर अ प्रो एट वेयरिंग साड़ी अगर आपको लगता है कि मैं तो आराम से ओपन पल्लू ले सकती हूँ देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ ओपन पल्लू यू स्टिल हैव टू टक दैट वन पल्लू हेयर ऑन योर शोल्डर तो उधर आप एक जरूर पिन लगाएं और नीचे भी मैं सजेस्ट करूंगी हाथ के पास भी उसको थोड़ा सा प्लीट बना के यहाँ टक कर लें स्टिल आई से प्लीटेड पल्लू इज बेटर और इंटरव्यू ओपन पल्लू सो ब्रॉडली आईव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ साड़ी इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक कलर ब्लाउज उसकी प्लीट्स पल्लू सब चीजों के बारे में मैंने बता दिया है स्टिल आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं सो फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट एंड आई एल ट्राइन आंसर योर क्वेश्चन इसके अलावा एक दो चीज़ें मैं और मैंशन करना चाहती हूँ कुछ लोग आजकल कहते हैं कि साड़ीज़ के साथ शर्ट uh, पहन सकते हैं क्रॉप टॉप पहन सकते हैं यस yes, डेफिनेटली पहन सकते हैं बट इंटरव्यू में शर्ट के साथ साड़ी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि इट मे नॉट लुक टू ग्रेसफुल नंबर वन नंबर टू उसकी उतनी अच्छी से फिटिंग नहीं आती है Uh, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है और थर्ड उसका लुक थोड़ा फ्यूजन हो जाता है एंड इट डजन गिव अ नीट क्लीन प्रोफेशनल लुक तो आपको शर्ट अवॉइड करनी चाहिए कुछ क्रॉप टॉप्स आते हैं जो बिल्कुल फिटेड ब्लाउज़ की तरह लुक देते हैं वो आप पहन सकते हैं अगर आपके पास ब्लाउज़ की ऑप्शन नहीं है उसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना है थोड़े से बेसिक क्रॉप टॉप्स लाइक जो बेसिक कलर्स में होते हैं लाइक आई मैंशनड अर्ली ब्लैक में वाइट में बेज में इस तरह के मरून में ब्राउन कलर में इस तरह के कलर्स में आप क्रॉप टॉप पहन सकते हैं जो कि ब्लाउज़ लुक दें नॉट दोज फैंसी क्रॉप टॉप्स बहुत बेसिक प्लेन विद नो डिटेल्स नो एम्ब्रॉयडरी नो रिपिट्स नो काम जिसमें कुछ ऐसा ना हो समिंग विच इज़ वेरी बेसिक क्रॉप टॉप फिटेड जो कि ब्लाउज लुक दे अगेन आई एम सेइंग उतना ही आप पहन सकते हैं नथिंग मोर देन दैट आई होप दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू फॉर योर इंटरव्यू स्पेशली इफ यू वांट टू वेयर साड़ी डोंट मिस आउट टू वॉच माय अदर वीडियोस इन इंटरव्यू एंड ग्रूमिंग टिप सीरीज आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग स्टेब्रिटी टेक केयर